मात्र 50 मुर्गी पाल करके आप भी कमा सकते हैं महीने के 9,600 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप भी कमा सकते हैं महीने के 9,600 रुपए, वो भी घर बैठे, बिना मेहनत किए, बिना इन्वेस्ट किए, मात्र 50 मुर्गी पाल करके। तो वो कैसे फ्रेंड्स, तो उसके लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा है फ्रेंड्स कि 50 मुर्गी पाल करके आप भी महीने के 9,600 रुपये कैसे कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे, मैंने कहा बिना इन्वेस्ट किए, बिना खर्च, मतलब बिना मेहनत किए। तो फ्रेंड्स, मैंने कई बार वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि आप अगर अपने घर में 2-4 मुर्गी रखे हुए हैं तो उनसे आप चूजे निकलवाइए, और उनसे जितनी भी मुर्गियां होती है उनको आप कभी बेचिए मत। उनका जो मुर्गा आता है, उनका 2-4 मुर्गा आप अपने घर में रखिए, बाकी का आप बेच सकते हैं। बाकी के जो मतलब जो मुर्गियाँ हैं उनको आप अपने घर में अंडे के लिए पाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो है ये मुर्गी का क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, इतना वक्त तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप 50 चूजा खरीद लीजिए। 50 मुर्गी के चूजे से आप जो है बहुत अच्छा खासा इनकम करोगे महीने का, वो भी आपको ज़्यादा मेहनत कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चूजा खरीदते हैं तो चूजा 50 चूजे में आपका बहुत ज़्यादा खर्च कॉस्ट नहीं पड़ता है। साथ ही अगर आप जो है उसको दाने में नहीं पालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको फ्री रेंज में भी पाल सकते हैं। अपने घर का जो चावल होता है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसको थोड़ा सा दरदरा करके उसको कूट दीजिए, क्योंकि जब वो बच्चे होते हैं, एकदम छोटे छोटे से होते हैं, उस टाइम वो गोटा गोटा चावल नहीं खा सकते, इसलिए उसको टुकड़ों में तोड़कर उसको दे दीजिए। या फिर अगर आप उसको दाना दे सकते हैं तो आप मात्र एक बोरी दाना लाइए। एक बोरी दाने से वो लगभग दो महीना बिल्कुल चल जाएगी, क्योंकि मैं जब 500 चूजे लेती हूँ ना, तो 500 चूजे में मैं एक ही बोरा प्री स्टार्टर लेती हूँ जिसमें मेरा 15 दिन तक चल जाता है। तो मेरा अगर 15 दिन चल सकता है वो भी 500 चूजे के, तो क्या आपके 50 चूजे का 2 महीना नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है। तो आप जो है एक ही बोरा खरीदिए और उसके बाद उसको फ्री एरिया में छोड़ दीजिए। जैसे कि बाहर हम छोड़ते हैं ना मुर्गे मुर्गियों को, जो बाहर घूम घूम के खाना ढूंढ ढूंढ के वो अपना पेट खुद ही पालती है, वो पानी भी बाहर ही पी लेती है। बस आप कहीं पर रख दीजिए थोड़ा सा पानी, जो कि उसको ढूंढने में आसानी हो, वो खाना पीना सब खुद ही जो है बाहर ढूंढ के कर लेगी। बस आपको रहने के लिए उनको थोड़ा सा एक जगह दे देना होगा, जो कि रात के टाइम वो जहाँ पे वो लोग आराम करेगी। देखिए, जब भी आप अंडे के लिए पालो ना, तो आप फ्री रेंज में ही पालो, उसमें ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही जो है उसका जो वेट है वो धीरे धीरे गेन होता है। अगर आप दाने में पालोगे ना, तो दाने में वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है और मुर्गी ज़्यादा अंडा नहीं देती है। तो कई बार मैंने वीडियो में ये भी कहा है कि मुर्गियाँ जो है 6 महीने में अंडा देती है, तो ये मैंने सुनी सुनाई बात कहा था, क्योंकि मेरा भी जो है अपना खुद का एक्सपीरियंस वो नहीं था कि वो कितने दिन में देती है। लेकिन आज मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपके जो है आप जिस मुर्गी को अंडे के लिए पाल रहे हो, वो मुर्गी आपका 4.5 महीना होते होते अंडे पर आ जाती है। क्योंकि मेरे फार्म में 4 महीना 17 दिन में मैंने जो है पहला अंडा लिया है, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैं फार्म के अंदर ही बैठी हुई हूँ, पीछे आप लोगों को मुर्गी मुर्गियाँ दिख रही होंगी, उस साइड में छोटी वाली है, इस साइड में बड़ी वाली है। तभी मेरे पास 350 बचे हुए हैं, बाकी के सब निकल गए हैं। तो आपको यही करना है कि आप दाने में मत पालिए उसको, घर के जो बेकार चीज़ें होती है, जो बच जाती है, घास फूस या फिर जो अनाज खराब हो जाती है, उससे आप पाल सकते हो। या फिर उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुला छोड़ दो, वो बाहर घूम घूम के अपना पेट खुद ही पाल लेगी, और आपको कोई झंझट नहीं है, ना आपको देखने का ज़रूरत पड़ेगा, ना ही आपको खाना देने का ज़रूरत पड़ेगा। बस आप सुबह में उसको निकाल दीजिए, शाम को वो खुद ही घर आ जाती है, फिर उसको आप उसका ठिकाना में बंद कर दीजिए। आपको और क्या मेहनत है, ना ही आपको इसमें कुछ मेहनत करना पड़ा, ना ही उसको खाना देना पड़ा, वो खुद ही जो है अपना पेट पाल रही है। साथ ही साथ वो आपको हर पर डे आपको एक अंडा देती है।
तो अगर आपको 50 मुर्गी अंडा देती है तो आप समझ सकते हैं 50 मुर्गी आपको 32 अंडे पर डे देगी। ये मैं सबसे कम बता रही हूँ कि अगर लास्ट जो देता है वो सबसे कम अगर दे तो वो 32 अंडे जरूर देगी। अगर इससे ज़्यादा हो तो जैसे कि वो 40 भी दे सकती है, 50 भी दे सकती है, लेकिन मैं सबसे कम की बात कर रही हूँ कि वो 32 अंडे ज़रूर देगी पर डे। तो अगर पर डे के हिसाब से आपको 32 अंडे मिले तो एक अंडे आपको कम से कम रेट में बिके तभी 10 रुपये में बिकेंगे, क्योंकि भाई पोल्ट्री का जो ब्रॉयलर अंडे आते हैं ना वही आपको 7 से 8 रुपये में मिलता है। अभी गर्मी के मौसम में थोड़ा सा उसका रेट कम हो गया है जिसके भी 6 रुपये में मिल रहा है, लेकिन देसी मुर्गी के अंडे इसके तो डिमांड भी बहुत है, रेट भी बहुत है। तो फिर भी आप 10 रुपया मान के चलो, आप 10 रुपये के रेट में उसको सेल कर सकते हो तो आपका 320 रुपया जो है पर डे का जो है इनकम आ जाता है। तो अगर 320 रुपया आपका पर डे का इनकम आता है तो उस हिसाब से देखा जाए तो 30 दिन में आपका 9600 रुपये इनकम आती है। अगर आप उसको फ्री में पालते हो तब, अगर आप उसको दाने में पालते हो तो आप उसको अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दाना भी देते हो तब भी एक मुर्गी आपका एक दिन में 5 रुपये ही खाती है। तो अगर एक मुर्गी 5 रुपये खाती है तो 50 मुर्गी आपका 250 रुपये खा लेगी। तो अगर 250 रुपया आपका डेली का चला गया तो भाई आपका पर डे का 70 रुपया बचता है। तो अगर पर डे का 70 रुपया बचता है तभी आप 2100 रुपये महीना बहुत ही इजीली कमाओगे। 50 मुर्गी में मेहनत ही क्या करना पड़ता है, अगर घर बैठे कोई 200 रुपया भी दे दे तो वो भी कितनी खुशी की बात होती है। जब हमारे हाथ में पैसे आते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप उसको फ्री में पालते हो तो 9600 रुपया आपको मिलेंगे, अगर आप उसको दाने में पालते हो तो भी आपको 2100 रुपया मिलेंगे, जिससे कि आप अपने हस्बैंड की मदद कर सकते हो या फिर आप दूसरे किसी काम के लिए उसको यूज कर सकते हो या फिर आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकते हो या फिर आप खुद की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हो। क्या ज़रूरत है कि हम हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड रहे। हम हमेशा क्या करते हैं, हमें एक एक रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो हम ताकते रहते हैं कि भाई कब मिलेगा, कब देंगे, कब उनके पास रहेंगे। तो अगर हम भी थोड़ा कुछ मेहनत करेंगे तो हम भी तो घर का जो है हाथ बटा सकते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लेट मत कीजिए, जाइए आप 50 मुर्गी से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छा बिजनेस है ये, इसमें आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझे जो है कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है तो मेरा नंबर आपको चैनल पे मिल ही जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको अच्छे क्वालिटी का चूजा चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप एक फॉर्म भर दीजिए, आपको जो है चूजा आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है, तो अगर पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बनता है, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।